हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी स्किन केयर। मैं हूँ दरक्षा। आज मैं एक हेयर मास्क का रिव्यू शेयर करूँगी। ये हेयर मास्क है प्लम ऑलिव एंड मैकेडेमिया मेगा मॉइस्चराइजिंग हेयर मास्क फॉर केमिकल ट्रीटमेंट हेयर। नेट वेट है 250 ग्राम। इसमें प्रोडक्ट है, यहाँ पे सारा चीज़ इसका मेंशन है, यहाँ पे दिया है रेट है, इसका एमआरपी है 875 रुपये। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग डेट है, एक्सपायरी डेट है यहाँ पे दिया हुआ, ये सारा चीज़ इसमें मेंशन है। यहाँ पे ये देखिए इस पे बिना आपको सारा चीज़ इसमें मेंशन है। यहाँ पे एमआरपी दिया है, ये यहाँ पे इसका इंग्रेडिएंट लिस्ट है, यूज करने का डायरेक्शन है। इस पे ज़्यादा कुछ लिखा हुआ नहीं है, इस पे तो सारा चीज़ मेंशन है इसका। यहाँ पे दिया हुआ है इसमें क्या क्या नहीं है, वो सब भी यहाँ पे मेंशन है। पैराबिन फ्री है, अल्कोहल फ्री है, सिलिकॉन फ्री है, सल्फेट फ्री है, जिंक फ्री है, पैथलेस फ्री है, ये सारा चीज़ इसमें हार्मफुल केमिकल नहीं है। 100% वेगन प्रोडक्ट होता है इसका प्लम का। मैं इसका शैम्पू का भी रिव्यू शेयर की हूँ, ये इसका प्रोडक्ट दिखाते हैं कैसा है। ये इस टाइप का प्रोडक्ट है, पूरा इसमें लग गया। देखिए मैं पूरा यूज कर गई हूँ, थोड़ा सा बच रहा है, एक बार और यूज होगा। ये इस टाइप का प्रोडक्ट है, इसकी खुशबू भी बहुत अच्छा है, इसका खुशबू मुझे तो पसंद आता है इसका खुशबू। ये बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं है, आप इजी इसको अप्लाई कर सकते हैं। लिक्विड फॉर्म में थोड़ा है, ये देखिए इस तरीके से है, ये हिल रहा है। ये बहुत इजी आप अपने हेयर पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसको अप्लाई करने का भी तरीका बहुत ही सिंपल है, मैं जैसे अप्लाई करती हूँ वैसे बताऊंगी। कहते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करना है, आप इसको हेयर मास्क की तरह भी अप्लाई कर सकते हैं, आप इसको हेयर स्पा में भी यूज कर सकते हैं इस प्रोडक्ट को। मैं इसको यूज करती हूँ, सबसे पहले कि अपने हेयर को अच्छे से क्लीन कर लीजिए, बिल्कुल गंदे हेयर पर अप्लाई नहीं करना है। क्लीन होने के बाद आप इसको अप्लाई करके अच्छे से लेंथ में पूरे मसाज कीजिएगा, जैसे हेयर स्पा में मसाज करते हैं 10 मिनट के लिए अपने हेयर को मसाज कीजिएगा। उसके बाद आप इसको 20 मिनट के लिए अप्लाई करके रख सकते हैं अपने हेयर पे। उसके बाद आप इसको नॉर्मल वाटर से धोना है, यानी कि गुनगुने पानी से नहीं धोना है, बिल्कुल नॉर्मल वाटर से इसको वॉश करना है। उसके बाद आपका हेयर सूखने के बाद आपको अच्छा लगेगा, मेरे हेयर पर अच्छा रिजल्ट मिला। आपके सामने है मेरा हेयर, देखिए। अब बात करते हैं कि इसमें लिखा है फॉर केमिकल ट्रीटमेंट है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपके हेयर पे केमिकल ट्रीटमेंट होना ही चाहिए, आप नॉर्मल हेयर पे भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। आजकल सभी के हेयर डल हो जाते हैं, ड्राई दिखने लगते हैं, रफ दिखने लगते हैं, मेरे हेयर खुद ड्राई रफ दिखने लगे थे। अभी देखिए मास्क लगाने से कितना अच्छा हेयर हो गया है, आहिस्ते आहिस्ते आपके भी हेयर अच्छे दिखने लगेंगे। वीक में एक बार आप इसको यूज कर सकते हैं। केमिकल ट्रीटमेंट में होता क्या है, जैसे कलर ट्रीटमेंट हेयर है, स्मूदनिंग करवाए हैं, स्ट्रेटनिंग करवाए हैं, रिबॉन्डिंग करवाए हैं, ये सारे केमिकल ट्रीटमेंट हेयर कहलाते हैं, उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर हेयर मास्क आप वीक में एक बार यूज करते हैं तो आपके हेयर डल ड्राई बहुत तेजी से ग्रोथ नहीं होता है, बहुत स्लो भी नहीं होता है, मेरा मीडियम है, लेकिन केयर करने से थोड़ा ग्रोथ मेरा भी बढ़ गया है। पहले मैं केयर नहीं कर पाती थी तो उतने अच्छे से मेरा ग्रोथ नहीं होता था, हेयर भी मेरा झाड़ू टाइप दिखता था। मैं अभी देखिए मैं कोई हेयर स्पा बाहर जाकर नहीं लेती हूँ, कभी मैं गई ही नहीं हूँ पार्लर जाकर, कुछ भी नहीं करवाती हूँ, बस घर पे ही हेयर मास्क लेकर या घर के होममेड भी यूज करती हूँ अपने हेयर पे। अभी मैं इसको यूज कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगने लगा अपना हेयर। तो ये थोड़ा एक्सपेंसिव लग सकता है, इसका रेट कुछ ज़्यादा लगता है, ऑनलाइन ही मिलेगा। मैं इसको purple.com से ली थी, मुझे लिए हुए काफ़ी टाइम हो गया, मैं इसका हॉल वीडियो भी शेयर की हूँ। मुझे ये 50% ऑफ में मिला था, ये आपको अवेलेबल कहाँ कहाँ है, ये purple.com पे मिल जाएगा, इसके वेबसाइट से भी ले सकते हैं, ये अमेजोन पे मिल जाएगा, फ्लिपकार्ट पे है, नायका पे है, सारी जगह पे अवेलेबल है। आपको जहाँ पे भी सस्ता लगता है, कम लगता है, वहाँ से आप ले सकते हैं इसको। मैं इसका लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, एक बार चेक कर लीजिएगा। अगर आप इसे ट्राई करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिएगा, अच्छा प्रोडक्ट है, मेरे लिए तो ये बेस्ट प्रोडक्ट रहा है। लेकिन आप लोग इसको यूज किए हैं तो आप लोगों को कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा। यही है मेरा आज का वीडियो, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।